हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इजी माई ट्रिप पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में आज अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है, 16% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट क्यों देखने को मिली है और अब कैसा माहौल आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा, और भी काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो हम अपडेट देखते हैं कि किस वजह से इसमें आपको गिरावट देखने को मिली है, फिर हम चार्ट पे बात करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी के प्रमोटर निशांत पट्टी आज ब्लैक डील के जरिए इजी ट्रिप में 8.5% हिस्सेदारी या 15 करोड़ इक्विटी शेयर बेच सकते हैं। यह बिक्री प्रति शेयर 38 रुपये के भाव पर होने की उम्मीद है और इसी की कुल वैल्यू लगभग 580 करोड़ रुपए है। जून तिमाही के अंत तक निशांत पट्टी के पास इजी ट्रिप के 28.13% हिस्सेदारी थी। तो यहाँ पे भाई इसने 8.5% हिस्सेदारी अपनी बेच दी है, जो कि इसका प्रमोटर है निशांत पट्टी, जिस वजह से भाई आज आपको इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब समझते हैं कैसा माहौल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। भाई देखो, अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग सेल करते हैं तो ये इस न्यूज़ को आप नेगेटिव वे में ले सकते हो। ये नहीं है कि आज की ये गिरावट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 17% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली है। देखो, जब भी किसी भी स्टॉक में अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे होते हैं तो समझ लो स्टॉक में आने वाले टाइम में अच्छा होने वाला है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, मतलब भाई स्टॉक में कुछ ना कुछ ख़राब होने वाला है। अब इस स्टॉक में प्रेशर ही बनता हुआ आपको नज़र आएगा। ये स्टॉक 29.40 तक आता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर भाई 29 का भी ब्रेक डाउन कर दिया तो काफ़ी टेंशन आपको इस स्टॉक से होने वाली है, क्योंकि जिसने हाई प्राइस करीब करीब आप कह सकते हो 70 रुपीज़ से भी ऊपर जिसने इसमें अपनी पोजीशन बनाई थी, अब तक वहाँ पे नहीं गया है और करीब आधा प्राइस यहाँ पे हो गया है, तो टेंशन काफ़ी बढ़ने वाली है। तो सोच समझ के ही कुछ आप इसमें करना। यहाँ पे अब वन डे कैंडल चार्ट ओपन मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। वैसे आपने कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड की थी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे भाई देखो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक में, ठीक है, लेकिन इसके कंपटीटर इतने बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट। पहले अच्छे रिटर्न क्यों दे रहा था, क्योंकि देखो पहले क्या था भाई, इसके कंपटीटर कम थे। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे करीब करीब ये जो है ये 2 साल पहले की बात है, तो कंपटीटर कम थे तो कंपनी ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी और स्टॉक ऊपर की साइड भाग रहा था। लेकिन अब इसके कंप्यूटर इतने आ गए हैं जिसकी वजह से भाई देखो काम बट जाता है ना, कि भाई उस आधा काम वहाँ चला गया, पहला सारा काम इनके पास आता था तो आधा काम चला गया। आप सभी को पता है इजी माई ट्रिप जो ट्रिप प्लानर है, ये है वो है, आप सभी टीवी पे ऐड भी देखते होंगे, तो इसीलिए स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ आपको आने वाले टाइम में नज़र आ सकता है। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। मैं किसी को पर्सनल रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।